रात को थोड़ी थोड़ी बारिश आ गई थी, बारिश आ गई थी पवन के साथ, और ये देख सकते हो बादल के नजारे। आज 21 तारीख है और सुबह बजे है 6। बच्चे बच्चे रेडी है, अब जाएंगे खेत में, खेत में जाके मुर्गियाँ भरेंगे, गायों का चारा भरा डालेंगे, फिर वापस आते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सभी भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके भाई को बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं सोचा नहीं था कि हमारे भाई लोग इतना सपोर्ट करेंगे, लेकिन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया भाइयों ने। और आज 21 तारीख है, सुबह सुबह 6 बजे है, और सुबह मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आज मिलते हैं आपको बाद में। अब इस गाय से मैं परेशान हो गया हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि इसको दूध निकालना बंद कर दूँ, क्योंकि यार बार बार परेशान करती है, गिर जाती है, तो दूध कैसे निकालेंगे। मैं सोचता हूँ कि अभी दूध निकालना बंद कर दूँ और उसको वो वनडे के अंदर सब गायों के अंदर घूर देता हूँ। यार रोज़ ऐसा करेगा तो क्या करेंगे। पब्लिक भी मुझे सुना रही है, यार आप गाय के साथ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन क्या करें, हम दूध के लिए अभी सब मेहनत करते हैं और गाय भी ऐसे कर रही है, तो क्या करें। अब खड़ी नहीं होगी तो दूध कैसे निकालेंगे, बैठ जाती है। बैठ जाती है, खड़े खड़े गिरती है। अभी ये जुआर में पानी चालू कर दिया है 9 बजे, थोड़ा बाकी रह गया था तो जुआर को पानी दे देते हैं। ये बाकी था इतना, ये सब तो जुआर में पानी पिला दिया है ये सब, बाकी उस तरफ वाला बाकी है। ये देख सकते हो बड़ा बड़ा हो गया है। अब थोड़े दिन बाद 15 दिन बाद इसको कटिंग करके गायों को खिलाएंगे। यहाँ से बाकी है, यहाँ से पूरा बाकी है, ये सब हो गया, ये सभी को पानी दे दिया है, थोड़ा ही बाकी है। क्या कर रहे हो? डुंगड़ी गोदना, ये प्याज निकाल रहे हैं मेरे बाबा। डुंगड़ी डुंगड़ी देख सकते हो, प्याज है छोटी छोटी मूड़ी लगाई थी यहाँ पर, तो साफ करवानी थी। और इसको गुजराती में डुंगड़ी बोलते हैं। बहुत बहुत सारू लागे है, बहुत सारू लागे, बहुत सारू लागे। प्याज निकाल रहे हैं, छोटी छोटी है। अब घर पे जाओ और खाना खा लो।
हाँ हम जाऊँ ठीक अगली डूंगी गुड ले जाऊँ अगली डूंगी गुड ले अभी खेत में जाने का टाइम हो गया है और वागू और हम सब जाते हैं खेत में गायों को चारा भरा डालेंगे और पापा जी को भी फोन करते हैं तो गाय बच्चा लेने वाली थी तो क्या हुआ अभी जब तक बच्चा नहीं देगी तब तक तो हमको फोन करके पूछना पड़ेगा क्योंकि खेतों में जब गाय बच्चा देगी तो वो अकेले तो क्या कर पाएंगे तो हम फोन करके पूछते हैं कि क्या हुआ हर्षवी को और वागू ये दोनों को कपड़े लेने के लिए जाना था लेकिन जाने का कैंसिल हो गया दो तीन बाद जाएंगे हर्षवी को कपड़े भी लाने हैं वागू को भी लाने हैं वो बोल रहे हैं मेरे को बूट चाहिए घड़ी चाहिए टोपी चाहिए सब चाहिए तो कपड़े तो लेके आएंगे जब जाएंगे आज तो जाना था लेकिन आज कैंसिल हो गया तो दो दिन बाद जाएंगे और दोनों को घड़ी भी चाहिए और मेरे भाई के दो बच्चे हैं उनको भी घड़ी चाहिए मैंने घड़ी तो ऑनलाइन मंगवा ली है दोनों चारे बच्चों की तो वो तो आ जाएगी थोड़े दिन में तो कपड़े रहेंगे बाकी तो कपड़े एक दिन जाएंगे और लेके आएंगे बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं ना दोनों को है ना और बूट चप्पल अरे सैंड बूट चाहिए और सैंडल सैंडल भागू तुझे बूट हाँ और कुछ टोपी और हाँ घड़ियाल घड़ी ठीक है हर्षवी क्या चाहिए घड़ी ये बच्चों को जो भी चाहिए वो लेके आएंगे जब जाएंगे तब ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और हमारे वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो आपके भाई को